गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके वी विल बी डूइंग दैट ओनली नाउ। फर्स्ट अभिजीत ज्वाइन हो गया। अभिजीत आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, यस सर, आई एम यू। तुम्हारा भी शायद ये गलत ही था। नो सर। यस सर, इसमें क्या मुश्किल है इतना? इसमें ऐसा कौन सा स्टेप है जो कि नया है या तुम्हें नहीं पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द स्मॉलर ब्रैकेट। टू रिमूव द स्मॉलर ब्रैकेट क्या करेंगे? फर्स्ट दिस विल बी कंसिडर्ड। इसमें क्या होगा? दिस माइनस माइनस विल बी व्हाट? प्लस। सो वी हैव रिटन 240x। और यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी माइनस माइनस है, दिस विल ऑल्सो कम प्लस एक्स। द सेम वी हैव रिटन हियर। एंड नाउ वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व द टर्म्स विच आर इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं ना, वो स्मॉल ब्रैकेट था। सो एक्सक्यूज मी 240x सर, प्लस एक्स। हाँ सर बट -240x प्लस x इज 1 239x वाई माइनस माइनस टू फोर्टी यू विल राइट? -239x। देर आर टू माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस ना। दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। If I am writing here this minus minus, see here, this is a kind of multiplication. What does that mean? Minus of minus 240 is equal to what? This minus means minus 1 into minus 240. That means it will be equal to minus minus is plus in case of multiplication. So 240, that's all. And there is also x here, so we will add x everywhere. 40x. Why minus 240 will be there? Have I written minus? I have written two minus are there in the question. So if there are two minus before 240, it will be plus 240x. What's the doubt in that? क्या अभी भी डाउट है? अरे कोई तो बोलो। एनी डाउट स्टिल यू आर हैविंग, जागृत और अभिजीत? तो नो सर, नो सर, जागृत तुमने क्या गलत किया? यहां पर भी शायद तुमने प्लस नहीं लिया है। एंड ये प्लस जब बाहर आएगा तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना, अंदर वाले को। हाँ -240x प्लस x 239x कर दिया। वही तो वहां गलत हो गया ना। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग। टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। टेकन यस सर, माइनस टू, ये तुम्हारा सही है अभिजीत? मैंने किया होगा ना रॉन्ग राइट सब करके भेजा होगा। देखो तुम्हारा ये सही यस है। सर, एक बार। माइनस टू इंटू माइनस 4x, देन अगेन माइनस टू इंटू 3y, माइनस 20y इज ऑलरेडी देयर। नाउ माइनस टू इंटू माइनस 4x विल बी 8x। माइनस टू इंटू 3y विल बी माइनस 6y, एंड देन माइनस 20y, दे आर लाइक टर्म। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सिंप्लीफाई दैट। 8x सर 26y। हाँ सर, मेरा ये वाला सही। ये वाला सही था। फिर और कौन सा? तुम्हारा और भी गलत थे मेरे ख्याल से। और कौन सा गलत था? इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, इसका सर एक बताओ कि बताओ, किसी को। जागृत डाउट है, सर, नो हाउ डाउट वी हैव डन इट? सर, आई हैव डन दिस करेक्ट सर, द इन द करेक्शन इन द सर, करेक्ट एट नंबर एक्स करेक्टली? माइनस नहीं, तो फिर से रॉन्ग किया है ना। नो सर, मैं आई डिड दिस इन द सेकेंड अटेम्प्ट सर, व्हेन आई
send it wrong. to you. What you have written, see your Achha. answer. You have written plus 3y. That should be minus 6y. वो तुम्हारा तुक्का सही हो गया है. सेकेंड स्टेप देखो, यू हैव रिटन हियर, लेट मी राइट इट हियर इन रेड. यू हैव रिटन हियर 8x, देन यू हैव रिटन प्लस 3y, देन यू हैव रिटन माइनस 20y. हाउ प्लस 3y विल कम हियर? विल दैट नॉट बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2? The first term that you have 8x that is written, that is right. But after that, you have written plus 3y. Check your answer in the WhatsApp that you have shared. Are you getting what I'm trying to say? Sir. Okay, then I will be clearing this. Now I'm giving more questions on this. Okay. A lot of practice is required in algebraic expressions. If you miss this time, then you will be having confusion in whole life. Okay, take a screenshot fast. I will clear this and give more questions. Sir. Now solve this one, both of you. Sir, we have. Okay, Huh? sir. Sir, nothing. Okay. Okay, what's your answer? 8x minus 40y plus 20. अभिजीत हो गया? Sir, ओके, दैट इज getting वेरी this गुड. ये answer. सही है. इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस 4x, देन अगेन माइनस टू इंटू 20y, एंड देन दिस माइनस माइनस विल बी प्लस 20. इक्वल टू 8x माइनस 40y प्लस 20. गुड. तुम क्या नॉट नॉट क्या कर रहे हो? क्या डाउट है इसमें? सर इसमें कोई लाइन टर्म नहीं था, इसमें उसमें लग रहा था. हाँ, क्या लग रहा है इसमें? लाइन टर्म नहीं था इसलिए वो समझ नहीं आ लाइन टर्म रहा नहीं था. तो और भी अच्छा ना, कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, सबको अलग अलग बस सॉल्व कर देना है. जागृत कैसे समझ गया? कैसे टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. पेकन क्या आंसर? 2x माइनस 6 माइनस 2y 2x माइनस 6 माइनस 2 1, 2y.2y 2y ओके, लेट अस वेट फॉर अभिजीत. कर रहे हो अभी? यस सर. ओके, दिस इज रॉन्ग. ट्राई करो और सर डन. बताओ क्या आंसर है तुम्हारा. टू टू ब्रैकेट एस प्लस टू. ब्रैकेट क्यों चाहिए? ब्रैकेट तो हटाना है ना हमको. ब्रैकेट क्यों रखे हो? वी डोंट नीड ब्रैकेट्स इन द ठीक है सर. फाइनल आंसर. टू ओके सर. टू एक्स प्लस टू. टू एक्स प्लस टू हाँ, माइनस टू वाई. टू एक्स प्लस 4 माइ, ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू माइनस 2 वाई है ना, इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 4y. बस दोनों का ही गलत. तो माइनस है मतलब क्या है? यहां पे एक तरह से माइनस 1 इंटू है ना, जब भी माइनस ऐसे है तो माइनस 1 इंटू है. अंदर क्या है? दिस वन प्लस 2 इंटू माइनस 2y विल बी इक्वल टू. नाउ माइनस 1 इंटू माइनस 2x एंड माइनस 1 फिर से बिकॉज इट इज कॉमन, देन माइनस 1 इंटू माइनस 4. नाउ व्हाट कैन बी राइट? प्लस 2 इंटू माइनस 2y बस इक्वल टू. नाउ ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होता है प्लस, सो इट विल बी 2x, देन माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी प्लस 4, एंड देन प्लस माइनस इज माइनस, सो इट विल बी 2 टू द 4y. दैट्स ऑल. समझ में आया कुछ?
उसको सिस्टमेटिक करो ना, आराम से उसको बाहर निकालो। माइनस अगर लिखा है, डाउट है, तो -1 लगा दो वहां पे, फिर इनटू लगाओ, ऐसे करके करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए, यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो। बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सिंपल है, ठीक है। आई एम क्लियरिंग इट, नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। जागृत, समझ में आया? यस सर। ट्राई दिस वन नाउ। बताओ आंसर क्या है आपका। ट्वेल्व हाँ बाय बस, यस सर। इसमें एक्स वगैरह कुछ है ही नहीं। लेट्स वेट फॉर जागृत। डन हाँ बताओ। सर। -2x +24y। -1 × 2x, देन -1 × -4y, देन -1 × -20y। कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर। इक्वल टू -2x + 4y + 20y। इक्वल टू -2x + 24y। सो दिस इज एग्जैक्टली राइट, गुड। एंड दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग। तुम्हारा एक्स कैसे गायब हो गया अभिजीत? एक्स को किससे तुमने कंपेयर करके गायब कर दिया? है एक्स को कहां से माइनस किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो नया मेथड अप्लाई नहीं करना है, जो मेथड बताया वही अप्लाई करना है हर बार। आई एम नॉट टेलिंग यू टू अप्लाई सम न्यू मेथड, एक ही मेथड है, उसी से करना है सारा। नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डू दिस वन नाउ। सर बताओ अभिजीत, तुम्हारा क्या आंसर है? सर +20x जागृत, सर सेम। ये देखते हैं, दोनों का गलत है। एक बार फिर से ट्राई करो। सर डन बताओ क्या आंसर अभिजीत। सर +20x -70y अब कैसे आ गया? तो वहां मैं बैठा हूं बताने के लिए, गलत है। जागृत, कुड यू गेट -70y? नहीं सर कोई नहीं है अभी सर सर। आई गॉट 20x माइनस सर। नाउ आई अंडरस्टूड क्या? सर। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टू
Multiply the minus to the signs टू द also. टर्म्स, है ना, माइनस Sir, कॉमन है बाहर. yes sir. नाउ -30y एंड -40y कितना होगा? -70y होगा. 70. अंग्रेज -70, नॉट 30, 70y. 30 और 40 कितना होता है? 70. -2 एंड -3 इज -5. -5 एंड -7 इज -12. ऐसे करते हैं ना हम लोग. आई टोल्ड यू -30 मीन्स 30 स्टेप्स डाउन, देन -40 मीन्स 40 स्टेप्स मोर डाउन. सो यू आर 70 स्टेप्स डाउन, सो -70. क्या डाउट है इसमें? जागृत, सर, अंडरस्टूड? यस सर. नाउ डू दिस वन. ओके, व्हाट्स योर आंसर जागृत? -41. -40y. इज इट यस योर आंसर? ओके. एंड अभिजीत? सर, सेम. सर, -40, व्हाई नॉट? जीरो है इसका आंसर. सबसे पहले क्या करते हैं? जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, है ना. दिस इज टू बी ब्रॉट आउटसाइड द ब्रैकेट, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना. नाउ इसको बाहर लाना है तो क्या करना है? हियर वी हैव टू राइट -1 इनटू, जो हम पहले कर रहे थे सेम इज टू बी डन. एंड देन वी हैव टू राइट -20y. हर बार यही कर रहे हैं ना, इसमें क्या डाउट है? इक्वल टू. नाउ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले अंदर. -1 इनटू -20y कितना हो गया? +20y. एंड देन बाहर क्या है? +20y. नाउ अगर इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा? -20y हो जाएगा. एंड हियर इट इज ऑलरेडी 20y, सो बोथ विल गेट कैंसल एंड विल गेट जीरो. सर, आई बाय मिस्टेक लेफ्ट द मीटिंग. सर, नाउ आई हाँ, जॉइंड अगेन. ओके ओके. नाउ सर, आई बाय. सी क्लियरली, यहां पे क्या किया हमने? फर्स्ट वी हैव टू डू दिस वन, दिस स्मॉल ब्रैकेट. दिस इज टू बी सॉल्व. आफ्टर दैट ओनली बिग ब्रैकेट विल बी सॉल्व. टू सॉल्व दिस वन, फर्स्ट दिस माइनस एंड माइनस विल बी कमिंग एस प्लस, और वी कैन राइट -1 इनटू -20y. द सेम मेथड वी आर अप्लाइंग एवरीवेयर. सो माइनस माइनस इज प्लस, सो वी गॉट 20y हियर. एंड दिस माइनस विल रिमेन देयर ओनली अनलेस द बिग ब्रैकेट इज रिमूव. नाउ दिस 20y कम्स आउटसाइड एंड दिस माइनस साइन विल बी देयर ओनली, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ -1 इनटू 20y दैट कम्स आउट टू बी -20y ओनली. एंड +20y विल रिमेन एज इट इज बिकॉज देयर इज नो ब्रैकेट देयर, सो वी विल राइट इट इन दैट वे ओनली. नाउ दिस इज -20y एंड दिस इज +20y, सो 20y एंड -20y कम्स आउट टू बी जीरो. दैट्स ऑल. Is it ओके understood? सर, Or take a screenshot and solve this yourself and try to understand that. Now try this one.
सर आई के नॉट अंडरस्टैंड सर। अभिजीत तुम्हारा हुआ? सर हाँ सर आई एम डूइंग दैट। एक्सक्यूज मी सर, यस सर आई एम गेटिंग 18x-38y। ठीक है देखते हैं। सर डन यह तुम्हारा आंसर सर -22x-42y, -22x-42 है ना? -42y नो नो तुम्हारा माइनस आया ना। नो प्लस है पक्का? सर हाँ जागृत द सेम मेथड वी आर अप्लाइंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। समझो इसको, यहां पे हम क्या कर रहे थे हर बार? एवरी टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग। वेर एवर देयर इज माइनस, वी आर राइटिंग -1 इनटू द फर्स्ट वन, देन अगेन -1 इनटू द सेकेंड वन। Can't you write like this? What's the doubt in this? And the same thing will be done for the second bracket also. -1 into 2x and then again -1 into -2y. First this will be taken and the next this will be taken. What's the doubt in this? Jagrit, Yes, you told that you didn't understand the question itself. What's so special in this? Is the question so special? no, sir. Take a screenshot fast. Sir, done. Now try this one. हाँ बताओ आंसर। सर 121y-20x, 120। 20 क्यों बात? -20x सर डन यस व्हाट्स योर आंसर जागृत? सर 120y-20x। सेम नो सर 120y। 125 नो सर 120y। 20 ओके प्लस वाई और सेलिब्रेट दैट -1 इन 20x+y इक्वल टू 100y-20y-20x+y। नाउ दिस 100y एंड -20y विल बी 80y, देन कम्स -20x देन प्लस वाई इक्वल टू दिस 80y एंड प्लस वाई विल बी 81y-20x। So both are wrong. Any doubt in this? बताओ कोई डाउट है? जो मैंने स्टेप्स किए क्या कुछ नया किया मैंने? नो सर इसको और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वी कैन राइट हियर माइनस अंदर -100 और +20y कितना होता है? दिस इज -80y एंड देन -20x+y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 80y। एक और y है और -20x है, विच इज इक्वल टू 81y-20x।
किसी भी टाइप से करो आंसर विल बी सेम। ठीक है ना, आई एम गिविंग द होमवर्क, इसको अच्छे से करो और मुझे भेजना। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, यही होमवर्क है। ओके ठीक है, इसको करके मुझे व्हाट्सएप करना जब भी हो जाए। ओके जागृत, स्क्रीनशॉट एंड गिव मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो सो दैट आई विल रिमेंबर व्हाट क्वेश्चंस आई गेव। सेंड इट टू यू। ओके, सो वी विल एंड अप फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय बाय।